एसपीटी न्यूज पर पेश है श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ की टॉप 10 प्लस खबर। केंद्रीय पशुपालन मंत्री संजीव बालियान ने कहा है कि सीएए यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के मुद्दे पर विपक्ष देश में भ्रम फैला रहा है। जनता को जो बताया जा रहा है वो गलत है। वे गुरुवार को सीएए के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए श्रीगंगानगर पहुँचे थे। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय पशुपालन मंत्री ने कहा कि सीएए के तहत 3 देशों से धार्मिक उत्पीड़न सहकर आए 6 समुदायों को नागरिकता देने का प्रावधान है। इनमें हिंदू, सिख, जैन, पारसी, ईसाई और बौद्ध शामिल है। धार्मिक उत्पीड़न सहने वाले इन समुदायों को नागरिक को सीएए के जरिए नागरिकता देने के साथ साथ सरकार ने पूर्व प्रावधानों में भी बदलाव किया है। राजस्थान सरकार की ओर से जारी एक आदेश इन दिनों श्रीगंगानगर सहित प्रदेश के सरकारी स्कूलों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। सरकार ने 1 से 31 जनवरी के बीच सभी सरकारी स्कूलों के वार्षिकोत्सव आयोजित करने के आदेश दिए हैं, लेकिन पंचायत चुनाव की वजह से संस्था प्रधानों के सामने इनका आयोजन रखना वार्षिकोत्सव आयोजन को लेकर घोषित बजट भी परेशानी की वजह है। मसलन आदर्श विद्यालयों के लिए 10,000 और उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए 5,000 रुपए का बजट रखा गया है। कई शिक्षण संस्था प्रधानों ने बताया कि ये बजट वार्षिकोत्सव आयोजन के लिए पर्याप्त नहीं है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 353वें प्रकाशोत्सव पर श्रीगंगानगर के गुरुद्वारों में गुरुवार को आयोजन किए गए। मुख्य समागम यहां स्टेशन रोड पर गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में हुआ। सुबह श्री अखंड साहिब के भोग के बाद विशेष कीर्तन दरबार सजाया गया। इस अवसर पर अंध विद्यालय के संस्थापक स्वामी ब्रह्मदेव, अमृतसर से रागी हरविंदर सिंह और श्रीगंगानगर के रागी दलीप सिंह ने कथा कीर्तन से गुरु महिमा का गान किया। बाजूवाला रायसी नगर मार्ग पर ट्रैक्टर की टक्कर से कार में सवार दादी पोता सहित 3 जन घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद श्रीगंगानगर रेफर कर दिया गया है। घटना के 12 दिन बाद कार चालक ने ट्रैक्टर चालक पर लापरवाही से वाहन चलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया है। कई दिनों के बाद गुरुवार को जिला मुख्यालय पर सूर्यदेव के दर्शन होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। इससे तापमान में भी कुछ बढ़ोतरी हुई है। हालांकि वातावरण में शीतलहर का प्रभाव ज्यादा होने से धूप का असर अधिक प्रभावी नहीं था, लेकिन मौसम साफ होने से उम्मीद बंधी है कि शायद अब 2-4 दिन में सर्दी से कुछ राहत मिल पाएगी। स्थानीय मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बुधवार रात का तापमान लगभग 2 डिग्री बढ़कर 4.4 डिग्री सेल्सियस हो गया है। ये असर पिछले कई दिनों के बाद आया है जब रात का तापमान 4 डिग्री से ऊपर उठा है। जैसा स्वरूप सर रेलवे स्टेशन के बीच आज सुबह रेलगाड़ी की चपेट में आने से एक खेत मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया है। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे हवलदार भूप सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान 22 साल के सुखपाल सिंह के रूप में हुई है। खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल अपात्र लोगों के नाम हटाने के अपने फैसले से सरकार ने कदम पीछे हटा लिए हैं। सरकार को आशंका है कि अगर पूरे राजस्थान प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटाए गए तो उनकी नाराजगी पंचायत चुनावों में भारी पड़ सकती है। इस भय से सरकार ने श्रीगंगानगर जिले समेत पूरे राज्य में अपात्रों को खाद्य सुरक्षा सूची से हटाने पर ब्रेक लगा दिया है। राज्य सरकार ने पूर्व में राष्ट्रीय सुरक्षा योजना से राज्य के 1 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं की पात्रता की जांच के लिए सर्वे करवाकर अपात्रों के नाम हटाने के आदेश रसद विभाग को दिए थे। पंजाबी गायक बब्बू मान के बेहद लोकप्रिय गीत मित्रानु शौक हथियारा दा श्रीगंगानगर जिले के लोगों पर सटीक बैठता है। कृषि में प्रधान इस जिले के लोगों को हथियार रखने का बेहद शौक है। करीब 2,500 से 3,000 ऐसे लाइसेंस धारक हैं जिनके पास 3-3 हथियार हैं। अब केंद्र सरकार ने आर्म्स एक्ट में संशोधन करके 2 से अधिक हथियार रखने पर पाबंदी लगा दी है। इस अधिसूचना के जारी होने के बाद जिला प्रशासन ने भी लाइसेंस धारकों को 3रा हथियार जमा करवाने के आदेश जारी करने की कवायद शुरू कर दी है। पंचायत आम चुनाव 2020 को लेकर रिटर्निंग अधिकारियों और कर्मचारियों को चुनाव का प्रशिक्षण 5 जनवरी से चौधरी बल्लूराम गोदारा कॉलेज में दिया जाएगा। ये प्रशिक्षण 10 जनवरी तक सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। निर्वाचन शाखा के अतिरिक्त प्रभारी विजयकांत पाठक ने बताया कि प्रशिक्षण के लिए रिटर्निंग अधिकारियों और कर्मचारियों को सूचना भेजी जा रही है। इस प्रशिक्षण से पूर्व 3 जनवरी को मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण दिया जाएगा। राजस्व अपील अधिकारी करतार सिंह पूनिया प्रशिक्षण देंगे। बेंगलोर के कुछ लोगों ने श्रीगंगानगर इलाके में मोबाइल टावर लगाने का झांसा देकर एक व्यक्ति से ऑनलाइन बैंक खाते से 22 लाख रुपए की ठगी कर ली। ठगी के शिकार व्यक्ति ने अब बेंगलोर के कई जनों पर मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार करणपुर के रहने वाले खुशकरण सिंह ने रिपोर्ट दी है कि हिंदुस्तान टावर ग्रुप के MD संजय गुप्ता, राहुल मित्तल, प्रीतम जायसवाल, रामचंद्र प्रेम भाई और एक अन्य ने उसके भूखंड में मोबाइल टावर लगाने का झांसा दिया। इसके बदले में 2 से 26 दिसंबर 2019 तक उसके बैंक खाते से आरोपियों ने 22 लाख रुपए निकाल लिए।
बीते 24 घंटों के दौरान अलग अलग स्थानों पर एक वृद्ध महिला सहित 3 जनों की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए हैं। सूरतगढ़ शहर पुलिस के अनुसार मूर्ति देवी की तबीयत खराब होने पर अस्पताल में लाया गया, यहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसी तरह घमुड़वारी पुलिस थाना क्षेत्र के गांव 83 LNP में मिर्गी का दौरा आने पर महेंद्र की मौत हो गई। वहीं केसरी सिंहपुर पुलिस थाना क्षेत्र के घनजातिया में खोल भरा की मौत हो गई। स्वच्छ भारत मिशन के तहत श्रीगंगानगर शहर में सर्वे 4 जनवरी से शुरू होगा। मौजूदा सफाई व्यवस्था को देखते हुए नगर परिषद को अभी सुधार की जरूरत है, वरना परिणाम पूर्व की भांति रह सकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत इस बार श्रीगंगानगर शहर में गोपनीय सर्वे की संभावना है। इस बार टीम द्वारा नगर परिषद के अधिकारियों को बताए बिना ये सर्वे करवाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर नगर परिषद प्रशासन को शहर की सफाई व्यवस्थाओं में और सुधार करना पड़ेगा। हैरानी की बात है कि सर्वे होने में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, लेकिन नगर परिषद इस ओर गंभीर नहीं दिख रहा। संगरिया में स्थित RBC नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती एक युवक की गद्दीवस मौत होने के मामले में पुलिस ने केंद्र संचालकों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने घटना के अगले दिन पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया था। पुलिस के अनुसार कालावाली के हेमराज के बेटे मंजीत को नशा छुड़वाने के लिए नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवाया गया था। 29 दिसंबर को उसके बेटे की मौत हो गई थी। रायसीनगर में नगरपालिका प्रशासन की ओर से 3 जनवरी को वार्ड नंबर 2 में सरकारी भूमि से कब्जे हटाए जाएंगे। इसके लिए उपखंड अधिकारी को कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिया गया है। इस वार्ड में सिंचाई विभाग का खाला गुजरता है, ऐसे में सिंचाई विभाग के अधिकारियों को भी मौके पर तैनात रहने के निर्देश दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 2 में करीब 50 से अधिक मकान सरकारी भूमि पर कब्जा करके बना लिए गए थे। वर्षों से लोग यहां काबिज हैं। इस संबंध में राम स्वरूप स्वामी ने नगरपालिका को शिकायत करके सरकारी भूमि से कब्जे हटाने की मांग की थी। सांध्य बॉर्डर टाइम्स, हर गांव, हर शहर, कोने कोने की खबर, हर वर्ग, हर क्षेत्र की न्यूज और व्यूज, दिन भर की ताजा खबर, ओनली ऑन सांध्य बॉर्डर टाइम्स। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SBT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।